the business, यानी कि जिस भी बिजनेस के लिए आप एड रन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उस बिजनेस के बारे में हमें पूरा इन एंड आउट पता होना चाहिए। वो बिजनेस किस कैटेगरी का है, क्या काम करता है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या सर्विसेज हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, उनके जो है प्रोसेस क्या है, ये सब जानकारी आपके पास होनी चाहिए, सो दैट कि आप परफेक्ट जो गूगल की जो एड है वो डिजाइन कर सके। और साथ ही साथ जो है आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर जिस बिजनेस के लिए आप एड डिजाइन कर रहे हो, तो उन्होंने कहीं पहले कोई एड रन करी है कि नहीं करी, अगर करी है तो उसके क्या रिजल्ट रहे हैं, और क्या कीवर्ड्स वगैरह पे टारगेट किया हुआ था, क्या और उसका कन्वर्जन रेशियोज वगैरह थे, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको देखनी पड़ती है। उसके बाद ही जो है आप किसी भी बिजनेस के लिए एड को शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। सेकेंड, अगर हम बात करें यहां पे एनालाइज सिमिलर बिजनेसेस। सो बेसिकली जिस भी बिजनेस के बारे में हम ये एड क्रिएट करने जा रहे हैं, अगर उन्होंने पहले कोई एड नहीं क्रिएट करके रखी है, फॉर द फर्स्ट टाइम आप ये करने जा रहे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इनपुट्स, बिकॉज इनपुट के बिना जो है गूगल एड्स का रिजल्ट हमें नहीं मिल सकता। तो उसके लिए क्या करना है, अब हमारा जो बिजनेस जिसके लिए हम एड क्रिएट करने जा रहे हैं, तो वो तो पहले से अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम जो सिमिलर काइंड ऑफ जो बिजनेस है उनकी एड चल रही हैं या उनके जो लैंडिंग पेजेस हैं उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करें, उसको थोड़ा एनालाइज करें, नॉट दी ऑप्टिमाइज, एनालाइज करें कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या क्या उन्होंने लिखा गया है, किस तरीके का वो प्रोसेस जो है फॉलो कर रहे हैं, किस तरह की एड को जो है वहां पे क्रिएट किया गया है, उसके बारे में जानकारी होना आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी जो है आप अपने बिजनेस के लिए भी एड को डिजाइन कर पाएंगे। अब तीसरा फिर आ जाता है यहाँ पे टाइप ऑफ एड यू नीड टू रन। सो बेसिकली टाइप ऑफ एड की बात करें तो ये जरूरी नहीं है कि सर्च एड ही क्रिएट करी जाए। जो आपने बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ली है या सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस जो आपने रिसर्च करी, एनालाइज किया है उनको, तो बेसिकली उनके बेसिस के ऊपर में आपको ये डिसीजन लेना होता है कि आपका जो एड है वो सर्च एड होगी, डिस्प्ले एड होगी, प्रोडक्ट एड होगी, वीडियो एड होगी, राइट। तो आपको एड का पता होना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट काइंड ऑफ एड जो है वो आपको रन करनी होती है, क्योंकि जब भी हम गूगल पे सर्च करते हैं तो देखिए प्रोडक्ट की जो एड होती है वो एक डिफरेंट तरीके से हमें जो है रिप्रेजेंट होती है। तो इसी तरीके से आपको जो है ये सब चीजें पहले करनी है, तभी आपको पता चल पाएगा कि किस तरीके की गूगल एड जो है वो आपको क्रिएट करनी है। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग जो है जो भी आप समझ लेंगे, उसके बाद में आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि अब आपको अपने क्लाइंट के लिए किस तरीके की जो एड है वो क्रिएट करनी है। चौथा, अगर हम बात करें पॉइंट को आगे बढ़ने से पहले, मैं बता दूं कि अगर आप मेरे साथ गूगल एड का जो इनडेप्थ कोर्स जो है, पेड कोर्स अगर करना चाहते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे क्यूआर कोड दिया गया है, आपने इसको वीडियो को पॉज करना है, आपने इसको स्कैन कर लेना है। स्कैन करते ही आपको हमारे कोर्स का यूआरएल मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली आप जाकर एनरोल कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट हर तरह की जो एड्स होती है गूगल की वो यहाँ पे कवर अप करी गई है। और उससे पहले जो आपके गूगल की एड को शेड्यूल करने से पहले क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी यहाँ पे पूरा इनडेप्थ, और गूगल में किस तरह की एड को कब आपको रन करना चाहिए, हर चीज बहुत ही डिटेल के अंदर जो क्रिएट करी गई है। और साथ ही साथ जो है ऑप्टिमाइज, यानी कि एड क्रिएट होने के बाद में उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, वो सारी डिटेल जो है यहाँ पर इस कोर्स के अंदर बताई गई है। ये एक प्रीमियम कोर्स है, तो डेफिनेटली आपकी कोर्स की जो फीस है वो भी यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी हायर साइड पे करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने एक बार ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, देन आप जो है गूगल एड के अंदर आराम से किसी भी तरह का जो बिजनेस है उसके लिए एड जो है वो रन कर सकते हैं, चाहे वो आप अपने लिए रन करें या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए रन करें। चलिए अभी बढ़ते हैं हमारे चौथे जो पॉइंट्स है गूगल एड का, जो कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कीवर्ड को रिसर्च करना और जो है बजट को प्लान करना। क्योंकि हर तरह की एड को पहले तो कीवर्ड रिसर्च, यानी कि जो टारगेट ऑडियंस है उसमें किस तरह के कीवर्ड हम इस्तेमाल करें ताकि जो है ये एड उन्हीं लोगों को दिखे जो टारगेट ऑडियंस है। सेकंड होता है बजट एलोकेशन। बजट एलोकेशन यानी कि हमें डेली बेसिस पे कितना
उस पे पैसा जो है वो स्पेंड करना है एड पे और उससे कितना कन्वर्जेंस वगैरह, हालांकि वो एक अलग पॉइंट आगे कवर अप करेंगे कन्वर्जेंस का, लेकिन बजट एलोकेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका जो है बजट एलोकेशन की बात करें तो वैसे तो बहुत ही डिटेल्ड ये टॉपिक है जो कि हमने पेड कोर्स के अंदर कवर अप किया हुआ है, लेकिन स्टिल यहां पर जो है आपके लिए बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंडिंग कि हमें किस तरह की एड है, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं और उसमें किस तरह का बजट हमें एलोकेट करना चाहिए। तो ये अलग अलग जो आपकी सिचुएशंस के हिसाब से बजट एलोकेशन जो है वो आपके किए जाते हैं और जब ऑप्टिमाइज होता है एड उसके बाद में जो हमें रिजल्ट आते हैं, रिकमेंडेशन आते हैं, उनको भी देखने के बाद जो है बजट को अप एंड डाउन जो है वो टाइम टू टाइम करना पड़ सकता है। फिर पांचवें पॉइंट की बात करें यहाँ पे कन्वर्जन ट्रैकिंग एंड आपकी रीमार्केटिंग। सो बेसिकली हर प्रोडक्ट में जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट हो गया, सर्विस हो गया या कोई भी हमारी किसी भी तरह की गूगल एड होगी उसके लिए हमें ये इंपॉर्टेंट होता है ट्रैकिंग करना, यानी कि वहां पे वो हमारे लिए कैसे काम कर रही है वो चीजें हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है तो जो आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर रीमार्केटिंग की बात करें, यानी कि अगर सिमिलर प्रोडक्ट आपने एक एड क्रिएट करी है तो उसी के सिमिलर कोई और प्रोडक्ट्स हैं तो उसको हम रीमार्केटिंग का जो ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करके कैसे जो है पुश कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है वो आपकी यहां पर एक गूगल का जो एड मैनेजर होता है या एग्जीक्यूटिव होता है उसको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। यहां पर मैं सिर्फ ओवरव्यू आपको दे रहा हूं बिकॉज एक एक टॉपिक बहुत ही डिटेल्ड में है, बहुत ही इन डेप्थ में जाना पड़ेगा तभी आप एक एक टॉपिक को समझ पाएंगे। तो इसीलिए जो है आपको मैं बता रहा हूं कि आप पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। सिक्स्थ हमारा पॉइंट है एड को ऑप्टिमाइज करना। अब आपने जो है हर काम कर लिया, अब आपकी जो एड है वो रन हो रही है, अब आपको कुछ वहां पे जो रिजल्ट्स हैं, जो कुछ वैल्यूज आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन ऑप्टिमाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार होता है कि हमने जो टारगेट ऑडियंस है या उसके लिए कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी जो सिमिलर काइंड ऑफ कीवर्ड्स होते हैं उसके लिए भी गूगल जो है आपकी एड को पुश कर देता है। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी अगर फ्री से फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें हम लेट से हमारे पास में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, अगर कोई सर्च कर रहा है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, क्या उसको हमारी एड दिखनी चाहिए? जो बंदा पहले से ही फ्री वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है यानी कि वो पे नहीं करने वाला, उसका पहले से मेंटालिटी उसने सेट कर रखी है कि मुझे पे नहीं करना है, तो अगर ऐसे पर्सन को जो फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को सर्च करे क्या उसको हमने ये एड दिखानी है या नहीं दिखानी है? तो इस तरीके से जो है अगर हम नहीं दिखाना चाहते तो हम उसको जो है यहाँ पे एक्सेप्शनल में डालेंगे, उसको बैन करेंगे कि अगर कोई ये सर्च करता है तो उसमें जो है हमारी एड नहीं दिखनी चाहिए। ऐसे कई सारे टास्क होते हैं, बजट को कम या ज्यादा तो नहीं करना है, कहीं लिमिटेशन तो नहीं आ रही है बजट की वजह से, तो ऐसी कई सारी जो है हमारी चीजें होती हैं जहाँ पे हमें जो एड है उसको ऑप्टिमाइज करना होता है, चाहे वो लोकेशन की बात करें या एड बजट की बात करें या कीवर्ड्स की बात करें, राइट, कई सारी चीजें होती हैं जो ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ध्यान रखना पड़ता है। सेवन्थ की बात करें अदर देन दी गूगल एड्स, हम यहाँ पर जो है हमें लैंडिंग पेजेस हैं उनको भी ऑप्टिमाइज करना होता है। कई बार क्या होता है कि हमारी एड बहुत अच्छे से काम कर रही है, वहां से ट्रैफिक जो हमारी लैंडिंग पेज के ऊपर में आ रहा है, यानी कि वहां से जब गूगल की एड पे कोई क्लिक करेगा तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आप लैंड करवाओगे, चाहे वो आपकी एप्लीकेशन हो सकती है या आपकी वेबसाइट का कोई एक लैंडिंग पेज हो सकता है। अब ट्रैफिक जो है वो आपके लैंडिंग पेज तक आ रही है लेकिन आने के बाद में वहां से कन्वर्जन नहीं हो रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने जो भी लैंडिंग पेज है उसके ऊपर में काम नहीं अच्छे से किया या वहां पर जो कंटेंट लिखा गया है या जो स्ट्रक्चरिंग करी गई है उस लैंडिंग पेज की या कलर थीम्स की बात करें वो इतना अच्छा नहीं है, जो सामने से विजिबिलिटी अच्छे से प्रॉपर नहीं है या कंटेंट हमने बहुत अच्छे से नहीं डाल रखा है और जिसकी वजह से लोग जो आ तो रहे हैं लेकिन उसके बाद में जो वहां पे लिखा गया जो डिस्प्ले करा गया लैंडिंग पेज के ऊपर में उसकी वजह से वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली वो लैंडिंग पेज के ऊपर में भी हमें काम करना पड़ेगा, यानी कि वो डेफिनेटली इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द गूगल एड मैनेजर और एग्जीक्यूटिव, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो ट्रैकिंग कर रहा है और यहां से ट्रैफिक आपके लैंडिंग पेज तक आ रहा है लेकिन कन्वर्जन्स नहीं हो रहे हैं तो आपको जो है अपने क्लाइंट्स को ये बताना पड़ेगा, कन्वे करना पड़ेगा, देयर इज समथिंग नीड टू बी ऑप्टिमाइज्ड, समथिंग नीड टू बी डन ऑन द लैंडिंग पेज सो दैट कि हमारा जो कन्वर्जन है वो यहाँ पर हायर साइड पे जा सके।
और इसके बाद जो है हमारे पास में एक और पॉइंट बचता है, 8 पॉइंट, आई थिंक 7 पॉइंट ही मैंने लिखे और 8 पॉइंट शायद मैं भूल गया। एनीवेज एक और जो है हमारे पास में एड आए, एक और वीडियो मैं आप लोगों को अपलोड करके दूंगा जिसके अंदर यहाँ पे 7 पॉइंट्स हमने कवर करे, बहुत सारे अदर पॉइंट्स हैं जो आपको कवर अप करने होते हैं तो उसको भी जो है हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप एड का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया, उस पर क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ एक और नए टॉपिक के साथ, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।